एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे पीछे फॉग देख कर के आप लोग समझ ही गए होंगे कि 31st को ही मॉर्निंग से कितनी ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। और अभी भी जब मैं वीओ कर रही थी, मेरे से वीओ नहीं करा जा रहा था। बड़ी हिम्मत करके मैंने वीओ करना शुरू किया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और मैं सच में कंबल से बाहर निकल करके नहीं जाना चाहती थी। और ये देखिए मेरी प्यारी बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर आजकल शिवांशी का भी सुबह उठते ही कंबल से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। तो अभी ठंड आजकल कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, तो मैं शिवांशी को सुबह उठते ही गरम गरम हल्दी वाला दूध दे देती हूँ। क्योंकि अभी जो आजकल कानपुर में ठंड पड़ रही है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं कि बच्चों को अचानक से पेट दर्द होना शुरू हो जाता है और रात रात भर वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो मुझे डैडी से ही सुनने को मिलता है क्योंकि डैडी पेशेंट देखते रहते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं, तो वो यही मुझे सलाह देते हैं कि अभी थोड़ा सा केयर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर पता नहीं हमारी शिवांशी को क्या प्रॉब्लम है, उसको अगर हम लोग रजाई उड़ा देते हैं या ब्लैंकेट उड़ा देते हैं, वो उड़ना ही नहीं चाहती। वो बार बार अपने हाथों से अपने पैरों से रजाई को हटा ही देती है। तो शाम को हम लोगों ने न्यू ईयर की एक छोटी सी पार्टी प्लान की है और दिन में हम लोग लंच नहीं बना पाए थे क्योंकि हम लोग न्यू ईयर पार्टी की प्रिपरेशन कर रहे थे मेन कोर्स एंड स्टार्टर्स के साथ में। तो डैडी ने सोचा कि बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, तो अभी हम लोग लंच में पिज़्ज़ा खाएंगे और पार्टी के बाद में सब लोग साथ में बैठ कर के डिनर करेंगे। वो मैंने किया था डैडी, एंड यू वॉन्ट बिलीव मैंने कितने कम प्राइस में ये चारों पिज़्ज़ा मंगवाए थे। छोटे छोटे थे मगर इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। मुझे अप्रॉक्स 190 रुपीज़ पड़े थे ये चारों पिज़्ज़ा। सो एज़ यू कैन सी सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं और बस एक ही दो लोग रह गए हैं जो आना बाकी हैं, बस उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं। और तब तक हम लोगों ने सोचा सारे गेस्ट आते हैं तब तक हम लोग अपनी डांस पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे गेस्ट आते जा रहे थे हम लोग स्नैक्स सर्व करते जा रहे थे, जो भी फ्री होता था। तो मैं या दीदी या कोई भी हम लोगों में से फ्री होता था, वो जो अभी गेस्ट अगर आया है तो उसे स्नैक्स सर्व कर देते थे। प्लान ये था कि 12 बजे हम लोग पहले केक कट करेंगे और फिर उसके बाद में सब लोग एक साथ मिल करके डिनर इन्जॉय करेंगे। वेल, फिलहाल तो अभी सब लोग डांस पार्टी इन्जॉय कर रहे हैं, आप भी इन्जॉय करिए। मुझे ना सच में डांस करना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ काश वो दिन भी जल्द से जल्द आए जब मैं अपनी बच्ची के साथ में डांस करूँ। मैं सच में उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, बस शिवांशी जल्दी से बड़ी हो और उसके साथ भी मैं इसी तरह से डांस किया करूँ। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं, मैंने पार्टी की थीम रखी थी ब्लैक, तो जितने भी लोग आ रहे थे सबको ब्लैक पहनना था। काफ़ी हद तक लोगों ने फॉलो भी किया और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने ब्लैक पहना हुआ है।
आप लोग सोच रहे होंगे कि हर पार्टी में हम ही दोनों लोग लगे रहते हैं डांस करने में। दरअसल मैं और दीदी की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, हम लोग जब भी डांस करते हैं ना तो एक दूसरे के साथ में बहुत इन्जॉय करते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं है या कोई डांस कॉम्पिटिशन नहीं है, बट सिर्फ हम लोगों का एक ही मोटिव होता है, इन्जॉय करना। तो अभी जितने आप बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं ना, वो सब सिर्फ हम लोगों को देख करके वार्म अप हो रहे हैं कि उनके अंदर भी एक्साइटमेंट थोड़ा सा डेवलप हो, तब वो हमारे साथ में आ करके ज्वाइन करें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था ना कि अभी सभी लोग वार्म अप कर रहे हैं और थोड़ी देर में सभी लोग आकर के हमें ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी मम्मी आ गई, मतलब मेरी मम्मी, और मेरी एक और दीदी हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया डांस में। पहले एक टाइम था जब मेरी मम्मा को भी डांस करना बहुत पसंद था, मगर उनको जब से बीमारियां लग गई शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी, तो वो थोड़ा सा बल्की हो गई उनकी बॉडी और वो डांस करने में इतना मतलब अच्छे से डांस नहीं कर पाती हैं। मगर उनको भी एक टाइम था कि जब डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद था। शायद मुझे लगता है उनसे ही मेरे अंदर ये चीज़ डेवलप हुई है कि मुझे भी डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने नए से लेकर के पुराने और बहुत पुराने गानों में तक डांस किया था, और ये गाने शायद मैंने आज से करीब 10-15 साल पहले सुने थे। मुझे तब ये गाने बहुत अच्छे लगते थे, ये जब भी बज जाते थे मैं अपने पैरों को रोक ही नहीं पाती थी, और आज इतने दिनों बाद में ये गाने सुन करके भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और मैं डांस करने लगी। और थोड़ी देर बाद में हमारी गुड़िया रानी भी डांस करने लगी, किस गाने पे वो सुनिए। फिर मैंने शिवांशी को पहली बार इस तरह से डांस करते हुए देखा था, बट मुझे अच्छा लग रहा था, सब लोग रुक गए अपनी जगह पे और सिर्फ शिवांशी को देखने लगे थे। और अब पारी आ जाती है मम्मा और शिवांशी के डांस की। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं शिवांशी को इतना ज़ोर ज़ोर से घुमा रही हूँ, ऐसे डांस करा रही हूँ, दरअसल शिवांशी इसी तरह से इंजॉय करती है, उसे मज़ा आता है इस तरह से डांस करने में मेरे साथ में स्पेशली। और ये एक छोटा सा परफॉर्मेंस मैंने किया था, सॉन्ग पूरा नहीं डाल सकती थी, बट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेल, सभी लोग डांस करते करते काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, बस सभी लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी से 12 बजे और हम लोग केक कट करें, बट अभी भी 15 मिनट आई थिंक बाकी थे जब हम लोग ये लास्ट डांस कर रहे थे, क्योंकि जब मैंने बोला ना कि जब हमारे पास में 15 मिनट बचे हैं और उसके बाद में ये डांस पार्टी ख़त्म हो जाएगी, तो सबके अंदर अचानक से जोश आ गया और सबके सब फ्लोर पर आ गए डांस करने के लिए।
तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट की। अभी डांस पार्टी ख़त्म नहीं हुई है और अभी थोड़ी देर बाद में बस आई थिंक 5 मिनट बचे हैं और बस थोड़ी देर में हम लोग केक कट करेंगे। सो हियर कम अ न्यू ईयर केक। तो अभी हम सभी लोग मिल करके केक कट करने वाले हैं। एंड प्लीज़ मेरे मेसी लुक को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, डांस कर करके मैंने अपने सारे बाल खराब कर दिए थे। सो एज यू कैन सी केक की फर्स्ट बाइट हमारी शिवांशी ने ली थी। आफ्टर ऑल वो सबसे छोटी है तो उसे सबसे पहली बाइट तो मिलनी बनती है। वेल न्यू ईयर तो था ही और जिन्हें केक खिलाया जा रहा है उनका भी बर्थडे था, मेरी बुआ जी और ये मेरी दीदी का। तो आप लोग देख रहे हैं ना 31 दिसंबर से ही यहाँ पे कानपुर में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और ऐसी ठंड में छोले भटूरे मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाता है। तो मम्मी डैडी लोगों ने मेन कोर्स में प्लान किया था छोले भटूरे। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने न्यू ईयर का वेलकम किया। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल अभी हमारे सारे गेस्ट जाने वाले हैं तो अभी हम लोग सी ऑफ करने आए हैं उन्हें और अभी घर जा कर के बस चुपचाप से मैं अपनी रजाई में घुस जाऊंगी क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।